दोस्तों आ वेखो आ मॉडल टाउन वाला स्कूल आ, न्यू मॉडल टाउन स्कूल आ। सप निकलते पे आ, वेखो किड्डा वड्डा सप हैगा वा, ठीक है। लागे रैश आ, किन्नी बूट किन्नी स्कूल दे अंदर जा रहा ए। वाह वाला जे किड्डा वड्डा सप जे वेलो है। ते आ बूटी इन्होंने बुरा हाल होया पे, पता नहीं है प्रिंसीपल साहब नु ग्रांटा भी होंदियां सब कुछ होंदा, खाई जांदे आ बस। आ वेखो सप जा रहा जी, हुण दसो इत्थे बच्चे भी खेडदे आ, निक्के निक्के बच्चे इत्थे तुरे फिरदे आ। ते आ प्रिंसीपल साहब इत्थों दे जिहड़े आ, उहनां नूं कोई कई वारी उहनां नूं कहा वा, दिखदा ही पिया सावा किन्नी बूटी इत्थे वेखो होई पई है। ते जे किसे नाल हादसा आ गया, रब ना करे, ते कौन जिम्मेवार हैगा वा। सब नूं पता मोहाली किड्डा वड्डा हादसा हो गया सी, एक छोटी जी 10 साल दी गुड़िया दे लड़ गया सी ते उहनूं जान गवानी पई सी। तां प्रिंसीपल साहब ही सवेरे जवाब देण साडा कि की बनदा पिया वा। दोस्तों वध तो वध शेयर करनी है। हाँ जी भाई, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहले जिहड़े पतवंते सज्जन जिहड़े असीं मैंबर जिहड़े मतलब इकट्ठे होए हैं अज जिस विशे उत्ते कि जिहड़े मतलब कि स्कूल के प्रिंसीपल ने मतलब कि जिहड़ी गलत खबर लवाई है, जिहड़ी कि मतलब कि अपने इत्थे पार्क के विच इन्हां ने गंद पा के रखिया होया, जबकि देखा जाए गंद इन्हां ने खुद पाए ने। ऐ ढेर वेखो असीं मतलब कि लवा के अपने सफाई करवाई है, इन्हें घा बूट होया, बरसात का मौसम है, कीट पतंगे इन्हें इतने फिरते पे ने, कोई मतलब नहीं है। उन्होंने दो स्कूल ने, दोनों स्कूलों के जो प्रिंसीपल ने वो बस उन्होंने अपनी हद बना रखी है, अपनी ग्रिलां ला रखी ने। वो कहें बस असं इतने तक ही अपने कन्फाइंड है, सानू मतलब कि पार्क नाल या ग्राउंड नाल कोई मतलब नहीं है। जिन्नी बार भी असी सफाई करवाई है, असी जे लागे लागे जो लोग रहने इस इलाके के, उन्होंने सफाइया करवाइया ने, तो करवाते रहेंगे, करवाने भी है। लेकिन स्कूल हैगा, स्कूल मतलब कि बनाने की पार्क में परमिशन असी लोगों ने दी सी, कहते असी स्कूल बनाना है, असी लोगों ने यदि परमिशन दी सी। जब अज मतलब कि स्कूल बन गया, तो स्कूल बनने की भी एक मतलब कि अपना एक ड्यूटी बनती है कि सफाई रखी जाए, कि बच्चे स्कूल में बच्चे पढ़ने वास्ते आते हैं, बच्चे पढ़ने वास्ते आते हैं। जे सफाई नहीं होएगी तो बच्चे कितने खेलणगे, जे खेलणगे सप कीड़ा लड़ेगा तो कौन उहदा जिम्मेवार होएगा। सब तो वड्डी गल है, जे गंद पिया होगा तो तुहानूं पता है कि जिहड़े भी सूर ने या कुत्ते ने या जो भी मतलब कि जिहड़ा जानवर हैगा वह अंदर आ के घूमता फिरता है, तो जो भी गंद फैलाउंदा है अपना। यह चीज़ा जिहड़ियां बड़ियां नोट करन वाली हैगियां ने। बाकी जिहड़े दरखत ने मतलब कि वह प्रॉपरली छंग नहीं जाते पे, कोई सफाई जिहड़ी हैगी है वह नहीं की जा रही, जिहड़ी कि हैगी है खासकर मतलब कि सानूं मतलब कि जिहड़े जिहड़े लागे लागे जिहड़े घर जिहड़े हैगे ने उहनां नूं इन्ना ज़्यादा मच्छर मतलब कि पैदा हो चुके हैं कि मतलब कि बहुत बड़ी मतलब माड़ी हालत हो चुकी है, बहुत ज़्यादा बहुत ही मंदा हाल है। कोई मतलब कि जिहड़े प्रिंसीपल ने यह अपनी कोई ड्यूटी नहीं समझते, सगों सानू जो इलाके जो अं लागे रहने सानू सगों बदनाम करते पे ने। यह देखा जाए इतने मतलब कि थोड़ा चलना पाया जाए तो इस चीज़ का हल किया जाए। धन्यवाद जी। हाँ जी, हाँ जी, दूजी एक बेनती होर जाए कि दोनों स्कूलों की जो बिल्डिंग्स ने वक्रिया वक्रिया ने, तो रात को कई बार की होंगे असं मतलब कि अपने कई बार नोट करते कई बार माड़े आंसर इतने आ के गड़िया पार करके अंदर अज की मीटिंग जी है सरकारी स्कूल दे विच सारी पतवंते सज्जणां की मीटिंग हुई, महला सुधार कमेटी के मैंबर और होर भी पतवंते मैंबर जिहड़े ने उस मीटिंग में आए गए हैं। ये मीटिंग बहुत जरूरी सी करनी, क्योंकि स्कूल दे विच बहुत ज़्यादा गंद है, कूड़े के ढेर लगे ने किसी पासे भी, दोनों साइड के उत्ते बहुत बुरी हालत है। क्योंकि सफाई का हाल अजकल दे सीजन दे विच ना तो उन्हां दी कारपोरेशन की गड्डी आउंदी है अंदर, वो गड्डी की वजह ने भी इत्थे हैगा, तो इत्थे सफाई कर्मचारी भी लगा है, लेकिन जिहड़े स्कूल का स्टाफ है वह इन्ना पब्लिक का साथ नहीं दे रहा। जे वो पब्लिक का साथ दे तो यह जिहड़ा मेंटेनेंस रोज़ हुंदा रहे। अजकल दे हालात जिहड़े ने इस बरसात की वजह ना कीड़े मकौड़े बहुत इत्थे निकलते हैं, किसी भी बच्चे नाल कोई मिसहैपनिंग हो गई तो वह स्कूल का स्टाफ ही जिम्मेवार होगा। हाँ जी भाई, तुम की कहना चाहते? अज न्यू मॉडल टाउन के पतवंते सज्जणा की एक स्कूल की ग्राउंड विखे मीटिंग हुई, महला सुधार कमेटी के भी सारे मैंबर हाजिर सन, और इतने जी सा ग्राउंड है महल की, यदि मेंटेनेंस बारे अज सारे अं इकत्र हुए हाँ, जो कि पहला भी साढ़े सारे ने अं सहयोग करके जी ग्राउंड आ ये असी घा वगैरह जां बूटे आ जां मेज ने जां लाइटां ने लगवाइया सारिया, तो अगे भी जड़ा वा अं स्कूल भी पहला गया सी दोवां स्कूलों के
प्रिंसीपल और हर एक तरह जो भी कहते रहे अं हर एक तरह उन्होंने सहयोग भी देने पर जे सानू इतों जो इतने रेंगे ने 24 घंटे कोई उन्होंने कोई मुश्किल है तो सानू अज तक उन्हें कभी जानकारी नहीं दी जबकि यदा उल्टो एवं जिस तरह की पिछले दिन ही उन्होंने एक खबर भी लवा दी जी आले दुआले देखो ये ग्राउंड जी है न्यू मॉडल टाउन की है और इतने न्यू मॉडल टाउन के बच्चों ने खेडना है स्कूल नू चलो मॉडल टाउन ने ही ये दी है ग्राउंड पर चे स्कूल जो चले जाता तो बाद जो साडे इतों के बच्चे ने वो भी आन के इतने खेडते हैं ग्राउंड जी है साड़ी ही है और साडा फर्ज बनता अं यदी मेंटेनेंस भी रखनी है सारी हर एक तरह ना तो स्कूल जोड़ा वा ये सानू नाल सहयोग देवे जे कोई भी मुश्किल आती है तो सानू दसे अं हल करवावे उस वेले ही इतने सफाई कर्मचारी भी रखा गया वा तो रखने के बावजूद भी वेखो कूड़े के ढेर लगे हुए हैं तो फिर जे बंदे रखने की आप वेखो जो उन्होंने काम नहीं लेना जहाँ जो हम इतने स्कूल के जो टीचर ने जो स्टाफ आ वो इतने जोड़ा भी कोई काम हों वा वे भी ध्यान देन भी इतने बच्चों ने खेडना है आना है जिस तरह की दसिया है प्रधान होना भी और इतने बरसाती मौसम में कोई कीड़े मकौड़े ज कि भी निकलता वा किसी वेले भी कोई गलबात वह जी हो सकती है तो उन्होंने तो मद्देनज़र इन्हें इतने ध्यान दिता जाए और अं स्टाफ को फिर बेनती करते हैं भी तुम सहयोग दो अड़ा दें और इतने हर एक तरह ना मेंटेनेंस करवाई जाएगी और जोड़े कूड़े के ढेर ने जो रहा इतने थोड़े दिनों तक एक माली भी रखा जाएगा और माली जोड़ा वा वो सारी देख रेख रखेगा बूटिया की ग्राउंड की और असी भी नाल हैं सारे जो भी सदना मीटिंग सद लिया कर कोई भी आते उसे हल हो जाया करेगा और यही बेनती करते हैं भी स्कूल में भी वो साडा सारे का साथ देन और अं उन्हों का देंगे तो जोड़ा वा रल मिल के सारे ही कोई मुश्किल आँदी है तो वह हल कर लिया जाए अज न्यू मॉडल टाउन के सरकारी स्कूल की जी पार्क है महल्ले के पतवंते सज्जनों की मीटिंग हुई है और फैसला यह लिया गया है पार्क की जी सफाई है वो वास्ते जे कदम पुटे जाएंगे इलाका निवासी स्कूल की जेडे मैनेजमेंट है वो राबता कायम करके एक दूजे के सहयोग के नाल जे कदम पुटे जाने ने सफाई व्यवस्था वास्ते और स्कूल के सुंदरीकरण की गल भी आई है कि जिथे कोई ग्रांटा आदियां ने स्कूल के सुंदरीकरण पहल दी जाएगी ता जो इतों के बच्चे इतों के बजुर्ग थोड़ी बहुत सैर वगैरह कर सकन साइड के इंटरलॉकिंग टाइलों की गल चली है सो ये सारे उपराले जोड़े सुंदरीकरण लैके किए जाएंगे सारे ही महल के पतवंते सज्जनों बेनती भी है कि वो स्कूल की मैनेजमेंट के नाल एक सुर मिला के उन्होंने सहयोग कर सफाई व्यवस्था वास्ते तो स्कूल के प्रिंसीपल साहबान जोड़े ने जो टीचर साहबान ने मैनेजमेंट उन्होंने भी बेनती है कि वह जिथे महल वा की लड़ पी है इलाका निवासियों की उन्होंने राबता कायम करके तो स्कूल की सफाई व्यवस्था वाल ध्यान देन वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतह अज जी मीटिंग की गई है न्यू मॉडल स्कूल वालों ये मीटिंग इस करके की गई है जी इतने स्कूल के सिस्टम जरा बहुत गलत होया एक तो इतने कोई मेनटेनेंस नहीं हैगी कूड़े के ढेर देखो बहुत ज्यादा लगे आ जे कोई रुक छांगे आ तो उदा ही पे आ मेरे ख्याल 2 दिन हो गए गल इन्हों के बूहे के सप मैं 6 फुट लंबा सप होना तो यह है कि चाहिए जो स्कूल इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए आ इन्ना गंद पिया स्कूल जे मास्टर की जिम्मेवारी या कुछ अही चलो जी ग्राउंड है स्कूल की नहीं है न्यू मॉडर्न इलाके की ग्राउंड है ये इलाके ने ही संजोग ना स्कूल बनया गया तो जो जे आखीए जे हम अं स्कूल है ये मास्टर का कहना जी असं इन्ना जगह वरतते हैं जी न्याणे कितने खेडते इस ग्राउंड से खेडते इन्हों से वह भी अड्डे ही न्याणे जो स्कूल आते हैं पर इन्हों इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए किसी के जवाक का किस बच्चे का नुकसान हो गया वो कौन जिम्मेवार है अजक तो बच्चे भी सुखना एक हर एक परिवार के इस चीज़ में ध्यान रखना चाहिए बाकी अं स्कूल में यह बेनती करते हैं कि कैमरे जरूर लगा कि ये जो कैमरे का है कि रात में जो कोई माड़ा आंसर आता है इस इलाके वेखो रात हर एक बंदा सुता है जे कोई 19 की और कैमरे रिकॉर्डिंग होगी पता लगू एक की सिस्टम चलन दिया ठीक है जी बाकी जोड़ा आखो गंद कूड़े के बहुत ढेर लगे आ ये दोवें स्कूलों के जेड़े है ना प्रिंसीपल का काम जरा बिल्कुल
करके नहीं रहा जी। ये जिहड़ी आ चीज मैं चाहुंदा कि इन्हां नूं प्रोपर काम करन ते अपने मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के स्कूल अपने महला सुधार कमेटी नाल रल के ये काम करन। धन्यवाद। जिवें कि इस तों पहलां सारी गल हो चुकी है जी, ये ग्राउंड की हालत जिहड़ी स्कूल की है पहलां बहुत खस्ता ही, जिहड़ी पिछले साल पिछले दिन ही महला निवासियां ने खुद आण के सारी इत्थे ग्राउंड की जिहड़ी मेंटेनेंस की आ, जो टोए वगैरह जिन्हां विच पानी खलो जांदा सी बरसात आउण तों बाद बच्चों का लंघना मुश्किल हो जाता ही, इतने महल्या के सहयोग के नाल इतने ट्रालिया विच मिट्टी पा पा के उच्ची करके ये घाह बूटे जो भी कुछ लाए गए, उस तो बाद जो भी कुछ मेंटेनेंस का काम है जिस तरह हम दस्या कि सफाई सेवक भी इतने मुहैया किया गया वा, माली भी आ रहा वा, बाकी जेकर कोई नहीं आता सफाई सेवक ज माली अगले हफ्ते आएगा इतने, बाकी टाइमली उन्होंने को सारा काम करवाउण ताकि सफाई की जी व्यवस्था वो सही रखी जाए। धन्यवाद जी। बाहरों कितने गए थे?